आज सुबह स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। लता जी के सम्मान में भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम भी टाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मुंबई आ रहे हैं उनका अंतिम दर्शन करने। और आपको बता दें, महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिवाजी पार्क पहुंचकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था का जायजा लिया है। मेट्रो सिटी समाचार संवाददाता विशाल उदरबे शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। देखिए वहां पर क्या स्थिति और क्या हलचल है। मुंबई के शिवाजी पार्क में, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आज की सबसे बड़ी खबर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में पिछले 29 दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह डॉक्टर ने 8 बजे हमें यह बताया कि उनका दुखद निधन हो गया। और इस खबर के बाद पूरे देश में मातम का माहौल छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट के माध्यम से अपना शोक जताया है। लता मंगेशकर जी ने 8 दशक यानी कि 80 सालों तक गाना गाया। उन्होंने एक नहीं अनेक भाषाओं में गाना गाया, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, ऐसे अनेक भाषाओं में गाना गाकर उन्होंने सबका मन मोह लिया था। और ये भी बताया गया कि 80 और 90 के दशक में, मुझे ये भी क्षण याद आता है कि जब भी कोई भी फिल्में बनती थी, सारे कलाकार ये चाहते थे कि उनके फिल्म का एक गाना तो लता मंगेशकर जी द्वारा गाया जाए ताकि वो फिल्में हिट हो सके। आज हम लता मंगेशकर जी के बारे में जितनी बातें करेंगे उतना कम होगा। और मैं इस वक्त मुंबई के शिवाजी पार्क में हूँ, और खबरों के अनुसार ये भी पता चला है कि शाम के 6:30 बजे उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा और पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं विशाल जायसवाल, मेट्रो सिटी समाचार, मुंबई।